अफगानिस्तान में 7 अक्टूबर को एक जोरदार भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर 6.3 मैग्नीट्यूड के इस भूकंप ने पश्चिमी अफगानिस्तान को तबाह कर डाला। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीबन 9000 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 2000 घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ये भूकंप हेरात शहर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर आया था। एक जेंडा जान नाम का जिला है, उसके 4 गांवों में इसका असर सबसे ज्यादा रहा। भूकंप के 3 बहुत तेज झटके 6.3, 5.9 और 5.5 की तीव्रता के साथ आए थे। इसी के साथ कम मैग्नीट्यूड वाले भी कई झटके आए। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में जेंडा जान जिले के काशकाक में 32 वर्षीय खालिद ने कहा, मलबे से लोगों को निकालने के लिए दूर दराज के जिलों से कई लोग आए हैं। हर कोई हर जगह शवों की तलाश में व्यस्त है। हमें नहीं पता कि मलबे के नीचे और लोग हैं भी या नहीं। इस पर तालिबान सरकार के लिए ये क्राइसिस ओवर क्राइसिस का टाइम है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं, भूकंप से पीड़ित और बेघर लोगों को आश्रय देना अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हिंदूकुश रीजन में होने की वजह से अफगानिस्तान में काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है। तालिबान सरकार के लिए मुश्किल ये है कि अगस्त 2021 में उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया और अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों के साथ उसके संबंध कभी अच्छे हुए ही नहीं। मानवीय आपदा की इस घड़ी में भारत फिर से मदद के लिए आ गया है। अफगानिस्तान की मदद के लिए पाकिस्तान भी आ गया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने भूकंप पर बयान देते हुए कहा, पाकिस्तान की सरकार और लोग अफगानिस्तान के पश्चिमी क्षेत्रों में विनाशकारी भूकंप से बेहद दुखी हैं। अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द और पूरी तरह से स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। हम भूकंप से प्रभावित लोगों की तत्कालीन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अफगान अधिकारियों के संपर्क में हैं। पाकिस्तान राहत एवं बचाव कार्य में हर संभव मदद करेगा। अब एक सवाल यहाँ हर किसी के मन में आ सकता है कि आखिर बार बार अफगानिस्तान में भीषण तबाही वाले भूकंप आते क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान यूरेशियन प्लेट की दक्षिणी सीमा के पास बसा है, जिसकी वजह से भूकंप का असर यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। साथ ही हिंदूकुश पहाड़ों से घिरा ये एक पहाड़ी इलाका भी है। जंगों से लगातार जूझते इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है। ऐसे में सुदूर इलाकों में बसे लोगों के पास समय पर राहत सामग्री का पहुँच पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। यही वजह है कि बीते 30 सालों में अफगानिस्तान ने कई भीषण भूकंप के मार झेले हैं। साल 1997 में अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर आए 7.2 तीव्रता के भूकंप में दोनों देशों में 1500 से अधिक लोगों की मौत हुई और 10,000 से अधिक घर तबाह हो गए थे। साल 1998 में आए भूकंप में कम से कम 2300 लोगों की मौत हो गई। इसके 3 महीने बाद इसी क्षेत्र में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 4,700 लोग मारे गए थे। मार्च 2002 में हिंदूकुश में आए 2 भूकंप में अफगानिस्तान के कुल 1100 लोग मारे गए थे। 2015 में हिंदूकुश रीजन में आए भूकंप का असर तो भारत तक रहा था और अब एक बार फिर अफगानिस्तान भीषण तबाही झेल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मकान, दुकान तो फिर से बन जाएंगे, मगर उन हजारों लोगों की जान का क्या जो इस प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गए। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय में कॉमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी प्रज्ञा ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।